From the Islamabad studios of Aap News, it's time for Jameel Farooqui on the debate. गुड इवनिंग, आपका एडिटोरियल संगीन गद्दारी केस तफसीली फैसला और फैसले के आफ्टर शॉक्स। खुसूसी अदालत की जानिब से तफसीली फैसला जारी कर दिया गया है और इस फैसले के बाद बहस ने एक नया रुख अख्तियार कर लिया है। मुख्तलिफ माहिरीन आईन और कानून पैरा नंबर 66 के हवाले से इंतहाई तजब्जुब का शिकार हैं। एक गमो गुस्से की कैफियत है और जो माहिरीन कानून है वो कह रहे हैं कि ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए जाने चाहिए थे। इंसानी हुकूक की तंजीमें तक उठ खड़ी हुई है और एक आम टेबल से लेकर खाने की मेज के ऊपर जो लोगों के दरमियान डिस्कशन चल रही है वो जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के हवाले से है और संगीन गद्दारी केस पर आने वाले इस तफसीली फैसले और इस फैसले के अंदर जो पॉइंटर्स हैं, मुजमरात हैं, मंदरजात हैं, उसके ऊपर चल रही है। ऐसे में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो रद्द अमल है वो भी दीदनी है। अफवाज पाकिस्तान ने गुज़िश्ता जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तर्जमान अफवाज पाकिस्तान की जानब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, बड़े नपे तुले अंदाज से गुफ्तगू की गई, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के दरमियान एक क्लैश वाजे तौर पर बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और ये सिर्फ हम या हमारी राय नहीं है, ये आम पब्लिक की राय है, ये उन लोगों की राय है जो तजिया करते हैं और मामलात को देखते रहते हैं। अब देखना ये होगा के आने वाले दिनों में ये जो मामला है, ये जो रिफ डेवलप हुई है इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, किस हद तक ये कम होती है या इसको कम करने के लिए इदारे अपना किरदार किस तरह से अदा करते हैं। अफवाज पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले अफराद या दिफाई तज़ियाकार मुख्तलिफ अंदाज से इस पर कॉमेंट करते हैं। सियासी तज़ियाकार, उनका कॉमेंट मुख्तलिफ अंदाज से है, लेकिन सबका पैरा नंबर 66 के हवाले से कमेंट एक ही है और वो ये है कि सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। काउंटडाउन है, काउंटडाउन सिर्फ हुकूमत वक्त के लिए है बल्कि सिस्टम के लिए है जो किसी भी तौर इंस्टीट्यूशनल क्लैश नहीं चाह रही है, लेकिन वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टुनाइट की। ट्रेंडिंग टुनाइट आज का हमारा हैशटैग है, हैशटैग मुशर्रफ वर्डिक्ट। जी हां, हैशटैग मुशर्रफ वर्डिक्ट। मुझे जमील फारूकी कहते हैं, आप फेसबुक ट्विटर दोनों पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं आज का काउंटडाउन। अहम फैसले से मुतालिक आपको अपडेट किया जा रहा है कि साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के हवाले से तफसीली फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जारी किया गया है। फैसला के बाद जो 17 दिसंबर को मुख्तर फैसला आया था, उसके रिस्पॉन्स में जो खदशात का इजहार किया गया था, वो आज के तफसीली फैसले से वो खदशात सही साबित हो रहे हैं। इस फैसले के आने से अल्टीमेटली आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम का शिकार करने के लिए कुछ बैरूनी कुवतें जो साजिशें कर रही थी और उन साजिशों के अंदर कुछ आलाकार जो लोग बने हैं, हुकूमत पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान हर साजिश को अवाम की ताकत से मलिया मेट करने के लिए पुरअज़म है। फेडरल गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि जस्टिस वकार अहमद सेठ के ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए फेडरल गवर्नमेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को रुजू करेगी और इस्तदा हमारी ये है कि ऐसे जज साहब को पाकिस्तान की किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होने का कोई इख्तियार नहीं है। एक जज साहब ने दिया है कि उसको पीटा जाए, अगर वो मर भी गया हो तो उसकी लाश को पीटा जाए और उसको लटकाया जाए बीच चौक में और इस्लामाबाद के और 30 दिन तक वहाँ हो रहे, ये भी ये तो बहुत बेहूदा फैसला है। इसका जवाब इस तक मतलब ही नहीं, जज साहब के खिलाफ तो आर्टिकल 211 के तहत इनका देखना चाहिए कि वेदर ही मेंटली फिट भी है जज जज और नॉट। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस, तफसीली फैसला जारी।
تفصیلی فیصلہ 169 صفحات پر مشتمل ہے۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو 5 بار سزائے موت دینے کا حکم دیا گیا ہے۔ 3 میں سے 2 ججز نے سزائے موت کا فیصلہ لکھا۔ جسٹس وقار احمد سیٹھ اور جسٹس شاہد کریم نے سزائے موت کا فیصلہ دیا۔ جسٹس نظر اکبر نے فیصلے سے اختلاف کیا۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف پر 5 چارج فریم کیے گئے ہیں۔ فیصلے میں انتہائی سخت الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پیرا نمبر 66، پھانسی سے قبل پرویز مشرف فوت بھی ہو جائیں تو لاش کو 3 دن تک ڈی چوک پر لٹکایا جائے۔ معزز ججز نے لکھا کہ سزائے موت کا فیصلہ ملزم کو مفرور قرار دینے کے بعد ان کی غیر حاضری میں لکھا گیا اور ملزم کو فیئر ٹرائل کا موقع ان کے حق سے زیادہ دیا گیا۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کے تفصیلی فیصلے نے ایک نئی بحث کا آغاز کر دیا ہے۔ سنگین غداری کیس سے متعلق تفصیلی فیصلے کے سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ عوام ایک ہی معاملے پر بحث کیے جا رہے ہیں۔ عوام بحث کر رہے ہیں کہ کیا سنگین غداری کیس کے تفصیلی فیصلے میں الفاظ کا درست چناؤ کیا گیا۔ عوام بحث کر رہے ہیں کہ فیصلہ جاری کرنے میں اتنی عجلت کا مظاہرہ کرنے کے عوامل کیا ہو سکتے ہیں۔ عوام بحث کر رہے ہیں کہ کیا قانون اور انصاف کے اصول سب کے لیے یکساں نہیں ہونے چاہیے۔ عوام بحث کر رہے ہیں کہ کیا محض ایک فیصلے نے نئی بحث کو جنم دے کر قوم اور اداروں میں تفریق پیدا نہیں کی۔ عوام بحث کر رہے ہیں کہ پیرا نمبر 66 میں لکھے گئے جملے اخلاقی، سماجی، مذہبی اور انسانی اعتبار سے مناسب ہیں۔ عوام بحث کر رہے ہیں کہ کیا لاش کو 3 دن تک ڈی چوک پر لٹکائے جانے جیسے جملوں کو استعمال کر کے صریحاً انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔ عوام بحث کر رہے ہیں کہ جس ملک میں ایک عرصے تک پھانسی کی سزاؤں پر عمل درآمد روکا گیا، وہاں اس طرح کے فیصلے کا آنا کیا ہمارے تشخص کو برباد نہیں کر دے گا؟ اور عوام بحث کر رہے ہیں کہ کیا ادارہ جاتی لڑائی سے ہم اپنے دشمن کو فائدہ اٹھانے کا موقع نہیں دے رہے۔ لیڈیز اینڈ جینٹلمین، لیٹس سٹارٹ دا ڈیبیٹ ٹو نائٹ۔ آج کے ہمارے گیسٹ پینلسٹ، ان کا انٹروڈکشن، ڈاکٹر فاروق ستار، ایم کیو ایم پاکستان سے آپ کا تعلق ہے۔ شوکت بسرا صاحب، سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف۔ فیصل چودھری صاحب، ماہر آئین اور قانون۔ زرار کھوڑو صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار۔ عادل عباسی، سینئر اینکر پرسن، اے آر وائی سے آپ کا تعلق ہے۔ اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، سینئر دفاعی تجزیہ کار۔ میں اپنے تمام گیسٹ پینلسٹ کو ویلکم کہتا ہوں۔ سب سے پہلا سوال میرا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب سے ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ یہ فرمائیے گا کہ الفاظ کا چناؤ فیصلے کے اندر اور تفصیلی فیصلہ جو سامنے آیا اس کے اوپر بڑا رد عمل دیکھنے کو مل رہا ہے تمام سیاسی جماعتوں کی جانب سے بھی، کچھ کو چھوڑ کے، اور قانونی اور آئینی ماہرین کی جانب سے بھی۔ آپ کی جانب سے بھی رد عمل آیا ہے، ابتدائی جملے اس فیصلے کے اوپر، اس کے بعد اگلا سوال ہوگا۔ دیکھیں، پہلا تو یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے جب پورے نہ ہو تو اس فیصلے کو منصفانہ نہیں کہا جا سکتا، یہ غیر منصفانہ فیصلہ ہے۔ پھر اس میں جس طرح کی زبان بھی استعمال ہوئی ہے تو وہ غیر مہذب بھی ہے اور ناشائستہ بھی ہے اور انسانیت سوز بھی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے، اس فیصلے کے پیچھے چاہے ایک ہی رکن ہو 3 رکنی بینچ کے، ان کی اگر ذہن میں اس طرح کی کوئی بات ہے جس سے یہ شائبہ ملتا ہے کہ کوئی ذاتی انعاد یا بغض بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پورا فیصلہ متنازع ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اتنا متنازع فیصلہ شاید پاکستان کی عدالتی تاریخ میں کم ہی آیا ہو۔ ہاں، ایک ذوالفقار علی بھٹو شہید کا فیصلہ ہے جس کا تنازع آج بھی کھڑا ہے، آج بھی موجود ہے،
और लोग उसको कंटेस्ट करते हैं। मैं समझता हूँ कि उसके बाद ये दूसरा फैसला है जिसको इतना मुतनाज़े फैसला कहा जा सकता है। जब कोई फैसला मुतनाज़े हो जाए तो उसकी अपनी सेहत क्या है, वो किस फाउंडेशन पे खड़ा है, और फिर बहुत सारे मामलात में एक सिलेक्टिव ट्रीटमेंट भी हुआ हो और सिर्फ एक फर्द ही को इस तरह के इकदाम का जिम्मेदार ठहराया जाए, तो इसमें भी एक पहलू है कि इंसाफ के तकाजे कहाँ पूरे हुए। फिर इससे पहले भी ये इकदाम हमारे साबिक फौजी सरबराहों की तरफ से हुए हैं, उनकी जिंदगी या उनके मरने के बाद भी कभी उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं बना ना चलाया गया। तो ये सारी बातें लेकर फिर खास तौर पर सिंध के शहरी इलाकों में, देखिए मुल्क मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर फ्रेगमेंटेड नेशन है, हम एक मुनकसिम और स्प्लिट नेशन है, तो उसमें देखिए हर जगह एहसास महरूमी की मुख्तलिफ वजूहात हैं। सिंध के शहरी इलाकों का एहसास महरूमी, पाकिस्तान बनाने के लिए इतनी कुर्बानियां, बचाने के लिए इतनी कुर्बानियां, फिर मुशर्रफ के वालिदैन ने भी वहां पर अपने जायदाद अमलात को छोड़ा और वो पाकिस्तान आए और आला तालीम हासिल करके जाहिर है कि इतने बड़े मंत्री आप यहाँ पर फिर वही कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फारूक भाई ये तो देखे ना, अब तो ये नेशनल इशू बन चुका है, मेरे ख्याल में इसको अब कोई और रंग देना मुनासिब है नहीं है, मेरे ख्याल में मुनासिब ये। तो देखें आप भले कहें, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं अपने वोट बैंक अपने खत्ते में इस मुल्क के अहम तरीन इलाके कराची जैसे बड़े शहर में लोगों के एहसास महरूमी की झलक आपको दिखाऊं। मैं वो कोई तासुब की बुनियाद पर ये रद्द अमल नहीं दे रहा, या मैं नहीं कह रहा कि चले ये मुतासिबाना फैसला है, मैंने तो कहा ये सिलेक्टिव जस्टिस है और हक के दिफा दिए बगैर अगर किसी को सजा दे दी जाए, जो फैसले में लिखा 66वें पैरे में, जबान तो छोड़ दें लेकिन हर हाल में भगोड़े को, हर हाल में मुजरिम को पकड़ के लाया जाए, सजा पे अमल दरामद किया जाए, हुकूमत और रियासती इदारों को पाबंद किया गया। अच्छा, यही पाबंदी उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए जब उनको बुलाया जा रहा था, उनका वकील कह रहा था वो नहीं आ सकते, तो हुकूमत सर्टिफिकेट देती कि हम दुबई गए, हमने कोशिश की, वहां की हुकूमत से बात की, हुकूमत ने भी, वहां की हुकूमत ने कहा कि इनकी जिंदगी को खतरा, ये ट्रैवल नहीं कर सकते। लेकिन फारूक भाई चलें, ये फैसले पर तो बात हो गई, मुझे एक बात बता दें कि जब जरूरत थी मुशर्रफ साहब को उस वक्त तो एमक्यूएम पाकिस्तान, चाहे अब आप दो धड़ों में तकसीम है, बहादराबाद ग्रुप गया है उनसे दुबई में मिल के आया है, उनके बाजपुर से उनकी सेहतयाबी के हवाले से दुआ करके आया है, आप अपनी जगह पर यहाँ पर रैली निकाल रहे हैं। मुझे ये पूछना है, जब मुशर्रफ साहब को जरूरत थी जिस कार्ड को आप अभी इस्तेमाल करें, उस वक्त तो आप लोगों ने साथ नहीं दिया और अब आप लोग साथ दे रहे हैं, तो ये भी तो क्वेश्चनेबल है ना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, देखिए मुशर्रफ साहब को हम मुसलसल मशवरे देते रहे और उनकी भी मशावरत हमारे साथ रहती थी, और जब सदारत से उनके उतरने का मामला था तो हमने ही कहा था कि देखिए अब माहौल बदल गया है और शायद आपको वो सपोर्ट बहुत से रियासती इदारों की तरफ से भी ना मिले, तो मुनासिब यही है कि भले आपके साथ पीपल्स पार्टी का ये एग्रीमेंट हुआ था कि वो 5 साल आपको सदर के तौर पर रहने देंगे, लेकिन वो नहीं रखना चाहते, मुनासिब ये है कि अब आप स्टेप डाउन करें, तो उन्होंने हमारी बात का पास किया। इसी तरह जब वो पाकिस्तान आ रहे थे तो हम में से बहुत सारे लोगों ने कहा कि ना आए, 7 लाख अगर उनके फॉलोअर्स हैं फेसबुक पर, वो 7 लाख लोग नहीं आएंगे वहाँ एयरपोर्ट पर, और ये अपने दोस्तों को भी आजमाइश में ना डाले, ये मौका और ये वक्त मुनासिब नहीं है, आप आ भी जाएंगे तो आपको वापस जाना होगा, और देखिए उन्हें वापस जाना पड़ा, हमारे उनका रब्ता और कम्युनिकेशन हमेशा था। वो तो कम्युनिकेशन अपनी जगह पर हमेशा थी, लेकिन वो मुशर्रफ साहब इस बात का गिला करते रहे हैं माजी में भी कि जब उनको आप लोगों की जरूरत थी आप लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया। बहरहाल इस पर मैं आपसे कॉमेंट मजीद लूंगा, आप शामिल हैं हमारे साथ गुफ्तगू में, आदिल अब्बासी साहब बैठे हैं और चौधरी साहब बैठे हैं, सर आप दोनों की इजाजत से मैं जरार खोड़ो साहब को पहले शामिल कर लूं, उन्हें कहीं जाना है। खोड़ो साहब, योर कमेंट्स ऑन द डिटेल्ड वर्डिक्ट सर। बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात हुई है कि तकरीबन 170 सफों की जजमेंट है और ये जो एक पैराग्राफ है और जो इंतहाई काबिल मजम्मत पैराग्राफ है वो इस पूरी जजमेंट के ऊपर हावी हो गया है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि जस्टिस सेठ को इस पैराग्राफ को शामिल करने की जरूरत क्या थी, या अगर वो इंसिस्ट भी कर रहे थे तो जो बाकी जो जजेस थे पैनल पे बेंच पे सॉरी, उन्होंने इसको क्यों शामिल होने दिया, क्योंकि अगर जो नैरेटिव बनाया जा रहा है और अगर हम जाएं डीजीआईएस
एफटीआर की जो इब्तदाई बयान आया था जी. तो उसमें मतलब उसमें लीगल आर्ग्यूमेंट कम थी, उसमें एक इमोशनल आर्ग्यूमेंट थी कि जी जिस बंदे ने जिस शख्स ने मुल्क के लिए जंगें लड़ी हैं वो गद्दार कैसे हो सकता है, राइट. अब ये हम आरटीआई जाहिर है कि हम आर्टिकल 6 की यहाँ पे बात नहीं कर रहे, हम एक इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रीजन की बात कर रहे हैं, ठीक है. जब ये बात हो गई थी उसके बाद इस पैराग्राफ को शामिल करने से ये तो मतलब आप अगर फुटबॉल ओन गोल एक चीज होती है ना जी, जी तो ये तो ओन गोल है लेकिन एक फुटबॉल के साथ नहीं, एक बॉम्ब के साथ, कि आपने अपनी पूरी आर्ग्यूमेंट को ही इसी एक पैराग्राफ के जरिए डिमोलिश कर रहे हैं, जो कि डेवलप होते हुए आते हैं. और अल्हम्दुलिल्लाह ना यार, मतलब हमारे यहाँ दो हफ्ते नहीं गुजर सकते कोई ना कोई ड्रामा हुए बगैर. एग्जैक्टली. अब हाँ जी जी जरार भाई, अब आप साथ दीजिएगा, साथ रहिएगा, मैं जरा शामिल करता हूँ आदिल अब्बासी साहब. आप बताइए कि इंस्टीट्यूशनल क्लैश, और अभी ऑफ द रिकॉर्ड हमारी यही बात हो रही थी कि हमें ऐसा लगता है कि हम दोबारा से 10 साल पीछे चले गए. योर टेक ऑन दिस प्लीज. बैक टू स्क्वायर वन पे तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है. क्लैश नजर क्या आ रहा है, क्लैश हो रहा है बिल्कुल. दोनों तरफ से बयान भी आ रहे हैं, रिमार्क्स भी आ रहे हैं, प्रेसर्स भी आ रहे हैं, ये भी हो रहा है. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है वो गवर्नमेंट का है. गवर्नमेंट क्या रोल प्ले कर रही है, हमने कल देखा कि गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स बैठ गए, बैठ के उन्होंने कहा कि जी हम तो जा रहे हैं आर्टिकल 209 का सहारा लेके सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में. वो भी चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है करें, अगर आपका राइट है आप करना चाहते हैं इस तरह करें, लेकिन टेंशन को डिफ्यूज कौन करेगा. ये टेंशन को डिफ्यूज करना असल रोल है इस वक्त किसी भी प्लेयर का. इंस्टीट्यूशंस के बीच में इत्तेफाक भी होता है, इख्तिलाफ भी होता है. ये तो एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है जो कि ऐसा एनवायरमेंट बनाती है कि इंस्टीट्यूशन किसी कन्फ्रंटेशन से बचें. तो अब तो एक गवर्नमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. लेकिन मैं एक पॉइंट, ये जो फारूक सत्तार साहब बात कर गए, मुझे इंतहाई दुख और अफसोस से कहना पड़ रहा है, एहसास महरूमी वाली बात वो कर गए. इट हैज नथिंग टू डू विद एनी एहसास महरूमी और समथिंग लाइक दैट. ये कॉम्प्लेक्सेस आप जरा साइड कर दें, आप देखेंगे DGISPR ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने क्या कहा. उन्होंने कहा कि ये एक फौज, एक खानदान है. मतलब अगर कोई फौज में ये समझता है कि कोई पंजाबी है, महाजर है, पठान है, सिंधी है, बलोच है, मेरे ख्याल है कि ये कोई माकूल या मुनासिब बात नहीं है. फौज के अंदर ऐसी कोई रिफ्ट नहीं पाई जाती. और मुशर्रफ साहब रिटायर्ड हो चुके हैं, मुशर्रफ साहब को गए जमाना हो चुका है, लेकिन उसी इंटेंसिटी के साथ चाहे राहिल शरीफ साहब के दौर में हो, चाहे कियानी साहब के दौर में हो, चाहे इस वक्त हो, उनके लिए रैंक एंड फाइल में भी गुस्सा पाया जाता है, उनके लिए स्टेटमेंट भी आते हैं और उनके डिफेंस में बात भी की जाती है. तो मेरा ख्याल है ये नामुनासिब बात है कि उनको इस चीज़ से जोड़ा जाए. ब्रिगेडियर हारिस साहब भी मेरे ख्याल है कराची से ताल्लुक रखते हैं, आपको बताएंगे कि ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती. तो इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए. दूसरी चीज़ यह है कि जजमेंट की पैरा 66 ने वाकई बहुत सारी चीज़ों को कॉन्ट्रोवर्शियल कर दिया है. लेकिन अब देखना यह है कि दो इंस्टीट्यूशन की कन्फ्रंटेशन में गवर्नमेंट कैसे ब्रिज बिल्डिंग करती है, कैसे अपना रोल प्ले करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा. अदरवाइज हमारी एक हिस्ट्री है और हिस्ट्री हमें यही बताती है कि इदारों की लड़ाई में नुकसान फिर जमहूरियत का होता है. एब्सोल्युटली. अच्छा फैसल चौधरी साहब, टेक्निकल पॉइंट आपसे हम पूछते हैं. ये जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने का फैसला किया है गवर्नमेंट ने, ये कितना लीगल है, कानूनी और आईनी पहलू क्या है इसका, कुछ इस पर नजर डालिए. गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली जो पैरा 66 है, जो कि आज भी जब चीफ जस्टिस पाकिस्तान का फेयरवेल रेफरेंस हुआ है आसिफ सुल्तान खोसा साहब का जी. उसमें जो अटॉर्नी जनरल का जो खिताब पढ़ के एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुनाया है, उसमें ये बात रीइटरेट की गई है कि ये जो पैराग्राफ है, जैसे जरार कह रहे थे कि इनह्यूमन है, बारबेरिक है, और ये इट डज नॉट मीट द स्टैंडर्ड्स ऑफ सिविलाइजेशन के तमाम स्टैंडर्ड्स की निगेशन है. ठीक. तो ये आज बात दोबारा, तो वो ये कहना चाह, जो गवर्नमेंट जो है कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने की, वो ये कह रहे हैं कि ऐसा जो जुमला है, देखिए एक बात तो हम सबको ये समझनी चाहिए कि वो बड़ी सेंसिटिव पोस्ट के ऊपर है, वो एक सूबे के चीफ जस्टिस हैं. और जो ये इससे मैं आपको बताऊं कि एक दिन पहले मंसूर अली शाह साहब का जजमेंट आया है डिटेल्ड वर्डिक्ट एक्सटेंशन के ऊपर. उस वर्डिक्ट से कोई बंदा, जजमेंट से कोई बंदा इख्तलाफ करे या उसको उससे एंडोर्स करे, लाइक करे, आपको एक जुमला, एक वर्ड किसी की तहजीब का, किसी की नफरत अंगेज नजर नहीं आएगा. आप जनरल पब्लिक के दरमियान जाए ना तो आपको अंदाजा होगा कि लोग इस चीज को बड़ा डिसलाइक कर रहे हैं, चाहे वो प्रवीण मुशर्रफ साहब को लाइक करते हो ना करते हो, लेकिन वो इस फैसले के बाद और इसके अंदर जो जुमले लिखे हुए थे उसके ऊपर उनको शदीद तहफ़ुज़ात हैं. ख्वातीन नौजवान, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो दोबारा से अपने कुछ गेस्ट पैनलिस्ट हमारे साथ शायद मौजूद ना रहे इस गुफ्तगू में, डिबेट में, लेकिन बाकी जो मौजूद हैं उनसे डिस्कशन का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे. साथ रहिएगा हमारे.
वेलकम बैक। जो एक सेंटिमेंट है कि इंस्टीट्यूशनल क्लैश की जानिब मामलात बढ़ रहे हैं, क्या वाकई ऐसा है या चीजें सेटल डाउन हो जाएंगी कुछ दिनों में? दूसरा, आप ब्रिगेडियर साहब से ये भी पूछ लें, वो सेंस ऑफ डेप्रिवेशन वाली बात है या नहीं है? अच्छा, ये आदिल इसमें ऐड कर रहे हैं कि सेंस ऑफ डेप्रिवेशन वाली बात है या नहीं है इसमें? देखें जमील, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि आर्मी के अंदर चाहे आप पठान हैं, बलोची हैं, उर्दू स्पीकिंग हैं, पंजाबी हैं, आई एम इन कराची बट आई बिलोंग टू लाहौर पंजाब से हूँ, कोई बिल्कुल सोच नहीं है एनी बडी। इसीलिए फौज में यूनिफॉर्म पहना जाता है, किसी को पता ही नहीं चले, एक पता चले कि पाकिस्तानी और फौजी हैं, दैट्स ऑल, दैट्स अ बेसिक रीजन वी पुट ऑन द सेम यूनिफॉर्म एवरीवन। और चाहे वो चीफ ऑफ स्टाफ उर्दू स्पीकिंग है, पंजाबी है, पठान है, ही रिमेन्स हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ही एंजॉय ऑल रिस्पेक्ट, और चाहे वो रिटायर्ड हों और वो सीनियर हों, इसी तरह रिस्पेक्ट करते हैं। ये इसमें मेरे ख्याल में कोई ऐसी बात नहीं होगी, बिल्कुल ऐसी नहीं है। अब सेकंड बात ये, देखें जिस तरह जिस तरीके से अदारों को लड़ाने की कोशिश की गई है, जनरल आसिफ ने बड़ा क्लियर बात की कि इसमें काफ़ी कोशिश कर सकते हैं, बैरूनी कुवतें हैं, इंटरनल हैं, पाकिस्तान के अंदर भी लोग हैं, इंग्लैंड में भी लोग बैठे हुए हैं जो कोशिश कर रहे हैं, क्या एजेंडाज हैं। देखें एजेंडा क्या है कि पाकिस्तान की फ़ौज ने प्रूव किया कि पाकिस्तान फ़ौज बहुत स्ट्रांग है, और जब तक फौज स्ट्रांग है, फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान स्ट्रांग है, और पाकिस्तान को इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। अब उनका डिज़ाइन ये है कि फौज को और आवाम को दूर कर दें, फौज को आप कमज़ोर करेंगे तो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान कमज़ोर होगी, और फिर खुदा न खास डिज़ाइन है कि बलोचिस्तान चोन चोलैदा वो चीज़ों का किया जाए जो कि फौज नहीं होने दे रही। और कल उसकी एक और मिसाल दे दी उन्होंने, कहा पाकिस्तान फर्स्ट, उसके बाद हमें ये भी मालूम है कि अब अपने अदारे को कैसे लुक आफ्टर करना है। देखें ये है कमांड ऑफ ट्रूप्स, अ पर्सन सिटिंग सियाचिन पे कश्मीर बॉर्डर पे, कल भी शहीद हुए हैं दोनों तरफ, यहाँ कश्मीर बॉर्डर के ऊपर भी और उसके बाद वेस्टर्न बॉर्डर माइंस के ऊपर आए हैं, लोग शहादतें दे रहे हैं, दे डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। उनको ये पता है कि एक सर्विंग आर्मी चीफ को कोर्ट में घसीटा गया और एक रिटायर्ड को जिस बुरे तरीके से रॉन्ग वर्डिंग के साथ सजा दी गई वो भी अनएक्सेप्टेबल, गैर इखलाकी भी है, गैर इंसानी भी है, गैर महजब भी, और उसके बाद हर जिस तरीके से आप बात करेंगे इससे ये पता चलता है कि इसमें बदनीयती शामिल है। आई एम वेरी फ्रैंक एंड ओपन, एक तो केस जैसे बनाया गया उसको हम सबको पता है, इंडिविजुअल को जो दो को शौकत अजीज को और डोगर साहब को निकाला गया क्योंकि वो जज थे और उसी चक्कर में शौकत अजीज को निकाल दिया, जबकि उनका लेटर लिखा हुआ खुद है कि ये करें, चले उसको भी बात ख़त्म कर दी। फिर एक हफ्ते में जो एम्प्लॉय भाइयों बात हुई ना, दैट इज़ वेरी सीरियस, और इसमें फ़ौज ने अपना बड़ापन दिखाया, फ़ौज ने आपके सामने कल जो अल्फाज थे कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि किसी बारे में बात की हो। नाउ द पार्ट टू पीपल हैव टू प्ले, एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड एक सुपीरियर जुडिशरी, नए चीफ जस्टिस आ रहे हैं, मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छा जेस्चर होगा कि अगर वो इस चीफ जस्टिस को, ये उनकी पावर में है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लेते हैं उनको काम से रोकें, एवरीबडी शुड नो कि व्हाट ही इज टेकिंग द अपर, और ये बहुत ज़रूरी है इस वक्त। यकीन करें आपके लॉयर्स को देखें किस तरह खड़े हो जाते हैं अपने कॉज के लिए, और काले कोल ने जो आपने पंजाब इंस्टीट्यूट में देखा है, ये उससे पहले चौधरी इफ्तखार के लिए क्या किया, जजेज अपने आप को इंटरेस्ट लुकआउट करते हैं। बसरा साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि कानूनी माहरीन तो यही समझते हैं कि रेफरेंस दायर करने से गुरेज करना चाहिए था सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में, कुछ लोग इसका सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो इसका तरीकाकार क्या होगा, किस अंदाज से एक फैसले को बुनियाद बनाकर एक खसूसी अदालत के मौजूद जज के खिलाफ आप लोग रेफरेंस दायर करेंगे, तरीकाकार क्या होगा? देखिए पहली बात तो यह है कि पैरा 66 जब इंक्लूड हो गया और जो पढ़ा हर किसी ने, उसके ऊपर तो डेफिनेटली इश्यूज, मैं समझता हूँ पूरी लॉ जो फर्टिलिटी है, सब ने कहा कि ये कम से कम एक सेंसिबल आदमी जो अपने सेंसेस में हो, जो होश में हो, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि ये उन्होंने अपने तमाम इदारे, तमाम लोग जो इदारों में बैठे हैं वो आइन के पाबंद हैं, खा वो किसी भी इदारे से हो। मैं बड़ी माजरत के साथ ये कहूंगा, मैं एक वकील भी हूँ, जब मैंने जजमेंट पढ़ी तो यकीन मानिए मैं तो खुद इस बात के अफसोस कर रहा हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, एक बहुत जबरदस्त लम्हा था हमारे पास, मुशर्रफ उसने आइन तोड़ा, उसकी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन जिस अंदाज में टेकअप हुआ, जिस अंदाज में चीजों को पोलिटिसाइज कर दिया गया, जिस तरह एजेंडे को आगे बढ़ाया गया, उसने तमाम इश्यूज को इस तरह मशकूक बना दिया, इसको कुछ बात बढ़ा दिए, जिससे मैं समझता हूँ कि इस वक्त वो जो चीज थी कि हमने एक ऐसी चीज की तरफ बढ़ रहे थे, हम एक आइनी चीजों को टच कर रहे थे,
आप ये देखें ना, जिस दिन पहले दिन फैसला आता है प्रवेश मुशर्रफ वाला, उस दिन अगर बहुत अच्छी बात है कि आपने फैसला दिया, भाई क्या जल्दी थी, मैं 342 एक मुल्जम का हक आप स्टेटमेंट ले लेते हैं, आप दूसरे लोगों को। बाय द वे, आपको क्या लगता है क्यों इतनी जल्दी थी, इतनी उजलत में फैसला आया, ये वजह तो नहीं कि चीफ जस्टिस साहब जा रहे हैं और नए चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं? उस आपकी बात से 100% जमील, आई कैन टेल यू, आई कैन रिप्लाई। अच्छा, इसमें ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? कर दूंगा मेरे से बसरा साहब, ब्रिगेडियर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उनको ऐड कर लूं इस पर। जी ब्रिगेडियर साहब, ऐड कीजिएगा, एक मिनट बात कर लेने, फिर जवाब दे दीजिए। चलें, कर लें, आप कर लें, आप कर लें। मैं अपना आर्गुमेंट सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं आपको, देखें गुजारिश ये है कि अगर जजेस किसी डिक्टेटर को ना इंडोर्स करें, ना पीछे किताबें हलफ उठाएं, तो कोई डिक्टेटर आइन तोड़ नहीं सकता, नंबर वन। नंबर टू, कोई सियासतदान, मैं समझता हूं हम सबसे ज्यादा जिम्मेदार हैं, वो सियासतदान, वो जजेस जब डिक्टेटर को रास्ता देते हैं, जब उसके साथ हाथ में हाथ मिलाते हैं, तो ये सवाल उठे, बिल्कुल सही बात कही कि भाई अगर आपने एक तारीखी लम्हात की तरफ बढ़ रहे हैं, तारीखी फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें बिल्कुल इम्पार्शियल होकर ये बात करनी चाहिए थी। चलें, ये फैसला हो गया, अगले दिन जो जजमेंट आई उसके बाद तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि फिर हर किसी ने ये कहा, और ये हुआ भी, कि एक बाकायदा प्लान जजमेंट थी। मैं उसको क्यों कहता हूं कि आखिरी दो हफ्ते जो चीफ जस्टिस साहब के हैं, चीफ जस्टिस साहब की जो स्टेटमेंट्स आई, आप मुझे बताइए कि क्या अदलिया का काम है कानून साजी करना? अदलिया का काम कानून की वजाहत करना है। कानून साजी तो पार्लियामेंट का काम है जी, पार्लियामान का काम है, आप लोग बैठे हैं। लेकिन क्या किया चीफ जस्टिस साहब ने? चीफ जस्टिस साहब ने इंटरफेयर किया कि ये कानून बनाए कि आप आर्मी की एक्सटेंशन किस तरह हो सकती है, सवाल वहीं से उठने शुरू हो गए। फिर उसके बाद जब ये मुझे याद है कि जिस तरह प्रवेज मुशर्रफ डिक्टेटर ने बाजू लहराए थे और मुक्के लहराए थे, इसी तरह चीफ जस्टिस खोसा साहब ने मुक्के लहरा दिए कि बड़ी जल्दी फैसला आने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि इन चीजों ने तमाम के तमाम मामले को, इदारों को आपस में और टकराव की तरफ, बिल्कुल ठीक है। शौकत बसरा साहब, शौकत बसरा साहब साथ रहिएगा, ब्रिगेडियर साहब को तो मैं बाद में शामिल करता हूँ। आदिल से इस पर कमेंट लेते हैं, आदिल क्योंकि बड़ा एक अरसे से प्रोग्राम्स कर रहे हैं और उन चीज़ों पर बड़ी गहरी नज़र है आदिल की। आदिल, ये ऐसा है कि हर दफ़ा जब भी चीफ जस्टिस साहिबान, मौजूदा चीफ जस्टिस साहिबान रिटायर होने जा रहे होते हैं, तो उनसे तकरीबन एक डेढ़ महीना पहले मामलात ऐसे डेवलप होते हैं कि वो हेडलाइंस में ही रहते हैं, तो ऐसा है क्या? नहीं, मैं इससे इतफाक़ नहीं करता। अच्छा, कई चीफ जस्टिस आपके ऐसे भी थे माजी में जो थ्रू आउट हेडलाइंस में रहते थे, कई ऐसे भी थे कि होके चले भी जाते थे और उन वो हेडलाइंस में ना दिलचस्पी लेते थे और ना उनकी हेडलाइंस बनती थी अंटिल अनलेस को बहुत बड़ी प्रोसीडिंग्स, बहुत बड़ा कोई केस चल रहा हो। ये ऑन एंड ऑफ रहा है, ये मैं नहीं समझता ये कोई हमेशा ही ऐसा रहता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और भी है, देखें जो मैं पहले भी बात आपसे कर रहा था, वो गवर्नमेंट पीटीआई की इतनी आसानी से नहीं निकल सकती इस मामले से भी, क्योंकि देखें 16 महीने आपने क्या किया, प्रोसिक्यूशन तो आपने अभी आके तोड़ी थी जी। जनरल मुशर्रफ साहब के केस में जब आप ये कहते हैं कि जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे नहीं हुए और हम चाहते हैं कि और लोगों को भी शामिल किया जाए, और आप ये कहते हैं कि फेयर ट्रायल का राइट उनको नहीं मिला, या साथ आर्टिकल 10A पे जा भी रही नहीं और लोगों को भी, मेरा ख्याल है गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े ब्लंडर्स हुए हैं जिसकी बेसिस पर आज ये हालात पैदा हुए हैं। आपने 16 महीने में क्या उस केस को उस तरीके से परसू किया, या आप उस वक्त भी, ये तो केस का डिसीजन आ गया, आप केस से पहले अगर चाहते तो आप इस तगासा तोड़कर जो है वो कह देते कि जी नहीं ठीक है हम तो दोबारा से बनाएंगे और फिर बना के जो उसमें इश्यूज थे, जो लकुनास थे, उनको दूर करते। एक दूसरी चीज़ ये है कि ये जब एक्सटेंशन वाली बात भी करती है गवर्नमेंट, तो वो किसके नोटिफिकेशंस गलतियों की वजह से जो है वो नौबत आई? बेशक कोर्ट ने इसको ले लिया, हमारी 70 साल की तारीख में इसकी भी प्रेसिडेंट नहीं मिलती थी, हमने खुद वीक पॉइंट दिया ना, एक प्रैक्टिस थी जिसको तमाम प्राइम मिनिस्टर्स अडॉप्ट कर लेते थे, कुछ लोग खुद को एक्सटेंशन खुद ही दे देते थे, कुछ को प्राइम मिनिस्टर्स ने दे दी। लेकिन मेरा ख्याल है इसमें गवर्नमेंट अपने आप को बरी उज़्ज़मा नहीं समझ सकती। अब हो क्या सकता है, अब टेंशन तो क्रिएट हो गई है, डेवलप हो गई है, अब उसको खत्म करने के लिए आपको बड़ा वाइटल रोल प्ले करना पड़ेगा। मैंने आपको कहा ना कि उनकी लीगल टीम क्या कर रही थी, मुशर्रफ साहब की लीगल टीम के भी बहुत बड़े बड़े फ्लॉज हैं जिसकी वजह से यह मामला यहां तक पहुंचा। आप जजमेंट पूरी पढ़ें, उसके अंदर उन्होंने बताया कि डिफेंस जो है वो उस तरीके से चीजें पेश नहीं कर सके जिस तरीके से उन्हें पेश करनी चाहिए थी। ये भी लिखा है कि फेयर ट्रायल का उनके हक से ज्यादा हक दिया उनको, पैरा 66 के कंट्रोवर्शियल होने की वजह से ही ये पूरी जजमेंट जो है अब इस पे एक क्वेश्चन मार्क लग गया है। राइट, वक्त हुआ जाता है ब्रेक के बाद, जब वापस आएंगे तो आदिल से ही मैंने बात यहीं से कंटिन्यू करनी है कि ये जो कार्ड्स यूज होते हैं मुख्तलिफ जबानों के, और ख़ास तौर पर उस वक्त में जबकि जिन लोगों को ज़रूरत होती है अपनों की, जिनको वो अपना समझते हैं, उस वक्त अपनाया नहीं जाता है, उसके बाद एक मौके पर आकर मामलात का फ़ायदा उठाया जाता है, तो क्यों उठाया जाता है, इस पर बात होगी ब्रेक के बाद, साथ रहिए।
वेलकम बैक डॉक्टर फारूक सत्तार साहब से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, अभी ब्रिगेडियर साहब कह रहे थे कि सेंस ऑफ डेप्रिवेशन का मामला नहीं है, क्योंकि अगर आर्मी में कोई चीफ बनता है या किसी बड़ी पोजीशन पे आता है तो इस चीज़ से बिला इम्तियाज उसको जो है ओहदा दिया जाता है कि वो किस जबान बोलने वाले गिरोह से ताल्लुक रखता है या कबीले से ताल्लुक रखता है। योर टेक ऑन दिस सर। देखिए, मैंने तो इस मामले में तो जो फौज का सिस्टम है उसको अप्रिशिएट ही किया है कि उन्होंने कहा कि हम एक फैमिली हैं, तो हमने मेरे ख्याल में इस चीज़ को सपोर्ट ही किया। और हमने ये वाली बात जो मैंने की, ये मैंने फौज के अंदर सिलेक्शन और वहाँ आला ओहदे पर कौन पहुँच रहा है, मैंने उसको क्वेश्चन नहीं किया, बल्कि मैंने ये फ़र्क बताने की कोशिश की है। आदिल अब्बासी इसको नहीं समझ सकते, कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है, जो कराची की बूदो बाश में पला बड़ा हो उसकी। सर वो कराची में रहे हैं, मैं भी कराची में रहा हूँ। फारूक भाई, फारूक भाई कराची से हैं दोनों, थोड़ा बहुत कराची में रहने का इत्तेफाक हुआ है मुझे। फारूक भाई देखिए, रहने का इत्तेफाक होना और यहाँ कोटा सिस्टम, यहाँ के जो इस शहर को जिस तरह नजरअंदाज किया गया, MQM का बनना या महाजर कौमी मूवमेंट का बनना, अगर इतना ही सारा सब कुछ, अगर जिसे कहते हैं ना कि ऑल इज वेल, तो फिर ये सारी चीजें होती नहीं। तो मैं उस चीज को इतनी तफसील में जाने नहीं चाहता, उस पर आप अलग प्रोग्राम कर लीजिएगा। लेकिन ये मेरा फर्ज है, मेरे जैसा मोतदिल आदमी अगर ये कहे कि लोगों की सेंसिटिविटी में इस बात को इस तरह भी लिया जा रहा है, मैं उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ। देखिए, मशरकी पाकिस्तान की जब अलहदगी हुई थी ना, जमील फारूकी और आदिल अब्बासी, तो मगरबी पाकिस्तान के बहुत सारे दानिश्वरों को पता ही नहीं था कि वहाँ क्या हुआ था, और उनका जो एहसास महरूमी, एहसास बेगानगी, एहसास अदम तहफ्फुज, वो कैसे अचानक जो है वो एहसास अलहदगी की तरफ चला गया। मेरा काम है इंतबाह देना, वार्निंग देना। यहाँ लाखों रोजगार सूबाई हुकूमत ने दी, उसमें कराची के डोमिसाइल पे किसी और, मैं जी बता रहा हूँ कि परवेज मुशर्रफ के वालदैन भी भुट्टो साहब के फॉलोअर्स के एहसास मारूंगी का भी कोई फिर क्रेडिट ले ले सर, आखिर उनके साथ भी तो कुछ हुआ था ना एक दौर में। मैं जरा गुजारिश कर लूँ, क्योंकि फारूक भाई ने बराह रास्त मेरा नाम लेकर बात की। फारूक भाई, बसत एहतराम, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, यही तो बात हुई थी, मैंने आपकी सारी बात सुनी। चलिए आप कंप्लीट कर लें, कंप्लीट कर लें। आप एक एंकर हो के अगर बीच में बोलेंगे तो इसका मतलब है कि सर मैं तो बतौर एंकर यहाँ पर बैठा हुआ नहीं हूँ, ये तजियाकार के तौर पर आए हैं। सर फारूक भाई आप कंप्लीट कर लें, फिर उनको शामिल करते हैं, आप करें बात। आप एंकर के तौर पर ही बैठे हैं, तबसरा निगाह, तजिया निगाह, आपकी एक्सपर्टी ही एंकर की है, अगर वरना आपको क्यों बिठाया जाता और बुलाया जाता। वही बात तो एक ही हुई ना, तो वो पॉलिटिकल एनालिस्ट एक एंकर ही तो बनता है ना, या वो पहले से बना हुआ होता है उसने। जरूरी नहीं सर एनालिस्ट एंकर भी हो फारूक भाई। चले आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए, आप अपनी बात मुकम्मल कीजिए फारूक भाई। लेकिन मेरा देखिए, मैं सारी बात सुनता हूँ सब्र से, और उसके बाद फिर मैं अपनी बारी पे जवाब देता हूँ, ठीक है ना। तो पहली बात तो वो बात जो हम जिस उससे गुजरे हैं, यहाँ की अब तो पूरा कराची शहर है इसी इब्तला में जो है वो, तो मैं ये बता रहा हूँ कि लोगों की सेंसिटिविटी में ये वाला पहलू है कि मुशर्रफ साहब के वालदैन ने पाकिस्तान बनाने के लिए कोई क्लेम नहीं दाखिल किया था यहाँ, ये मेरा फर्ज है बताना। उन्होंने वहाँ जायदादें अपनी अमलाक छोड़ी, जैसे लाखों लोगों ने और छोड़ी, हजारों असमतें, लाखों असमतें और इज्जतें कुर्बान हुई थी, ट्रेनें लूटी थी, काफिले कटे थे, ये सारी बातें इसलिए हर वक्त मुझे बतानी पड़ती है सर। वो फिर उन्हें फारूक भाई ये बताएं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी वो बने ना जी, प्लीज प्लीज फारूक भाई मुझे एक सवाल का जवाब दें। देखिए, कराची के अंदर एहसास महरूमी या इशूज से तो इनकार कभी नहीं किया, इन इशूज को तो हाईलाइट भी करते रहे, बात करते रहे इस पे। हुकूमत में MQM कई दफा आई है, MQM पे तो खुद ये तनकीद होती है कि वो महाजरों के राइट्स के लिए उस तरह फाइट ही नहीं कर सकी इतनी दफा पावर में आने के बावजूद। अब तो MQM के खुद चार धड़े बन गए, मुझे ये बताएं कि वो तो इस बात पर भी लोग नाराज हैं कि एक पार्टी उसके चार धड़े बन गए, हमारे राइट्स की बात कौन करेगा। वो तो इस बात पे भी नाराज हैं कि जब वो कहते हैं कि आप पावर में होते हैं तो आप कहते हैं कि सब ठीक है, आप जरदारी साहब के साथ भी चलते हैं, आप जो है वो इमरान खान साहब के साथ भी चलते हैं, आप हर गवर्नमेंट के साथ चलते हैं, लेकिन जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप कहते हैं कि ये इशू जो है वो कराची का और महाजर का इशू है। तो महाजर और उर्दू स्पीकिंग तो ये भी सवाल उठाते हैं कि उनके राइट्स के लिए उस तरीके से MQM ने मुकदमा नहीं लड़ा। दूसरी चीज फारूक भाई मुझे बताएं, आपको लगता है कि क्या अदालत ने इस बुनियाद पर सजा दी है जनाब मुशर्रफ साहब को, ये पैरा लिखा है क्योंकि वो महाजर थे? मैंने हतमियत के साथ थोड़ी ये दावा किया,
मतलब लोगों का एहसास जो मुझे जो सोशल मीडिया पे इस वक्त हो रहा है, जितने एमकेएम के सपोर्टर चाहे मेरे साथ हों, चाहे बादराबाद के साथ हों, चाहे वो लंदन के साथ हों, चाहे वो पीएसपी के साथ हों, अगर आप इस वक्त सोशल मीडिया को देखें, उसकी टेम्परेचर को असेस करें, तो उसमें उनका ये वाला पहलू झलकता है जो खास तौर पे पैरा 66 जिस तरह से लिखा गया, उसमें जो लैंग्वेज यूज की गई है वो जाहिर है कि किसी और साबिक फौजी सरबरा के खिलाफ उनके बदतरीन मुखालफी में भी नहीं। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सबसे बड़ी राय, बट फारूक उससे तो कोई भी इत्तेफाक नहीं, उससे तो कोई भी इत्तेफाक नहीं कर रहा है, नेशनल इशू बन गया है, इसको इस पे कार्ड प्ले करने वाली बात तो नहीं है। अच्छा एक और चीज फारूक भाई, ये अच्छी बात है कि लोगों ने यहाँ जो लोगों की एस्पायरेशन उनके जज्बात हैं उसके ऊपर मरहम रखा है, ये अच्छी बात। अच्छा चले इस पे आ जाते हैं फारूक भाई, कथा कलामी की माजत, अब मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा, मुझे ये बताएं कि बादराबाद ग्रुप तो चला गया, आपके मेयर साहब भी वहां होकर आ गए, आपका उनसे कोई कॉन्टेक्ट है नहीं है, आप कब जा रहे हैं मुशर्रफ साहब के पास? देखिये जिनके जिनके पास दुबई के वीजे तैयार थे वो फौरी चले गए। अच्छा आपका वीजा नहीं लगा हुआ? मेरा जैसी लगेगा एक आध दिन में मैं भी जाऊंगा। अच्छा आपकी फोन पे बात हुई है मुशर्रफ साहब से? और नहीं, असल में मुझे मैंने उनसे कोशिश की थी लेकिन वो बात नहीं कर पा रहे थे उस वक्त, तो इसलिए मेरी बात नहीं हो सकी, लेकिन मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। अच्छा बात तो ये। अच्छा दूसरी बात मैं कर दूं, एमकेएम की तकसीम या इस वक्त जो सूरत हाल है आदिल अब्बासी भाई की खिदमत में और आप सबकी खिदमत में, ब्रिगेडियर हारिस साहब की भी, कि उसमें जहां 50% देखे ना वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता, एमकेएम का बनना भी परवरिश उसकी बरसों में हुई तब एमकेएम बनी, इसी तरह एमकेएम का इस हाल को पहुंचना भी उसमें भी बहुत सारे मौरेका थे, जिसमें 50% की जिम्मेदारी मैं एमकेएम के एक सीनियर कारकुन होने के नाते अपने ऊपर लेता हूं कि हमारी गलतियां हैं, हम अपने लोगों के वो राइट्स राइट। फारूक भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, तफसीली बातचीत की। 50% जो एमकेएम को हर हाल में तकसीम करना चाहते थे इस नहज के पास, उनका भी इसमें दखल है। बिल्कुल ठीक है, ब्रिगेडियर साहब को शामिल करते हैं। ब्रिगेडियर साहब काफी देर से खामोश बैठे हैं, आपने सारी बात सुन ली और फारूक सत्तार साहब क्या बोल रहे हैं वो भी आपने सुन लिया, इस पर आप कमेंट करेंगे सर? थिंक बेसिकली मैं देखें जो एमक्यूएम की बात है, मैं इस पार्टी को हमेशा अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ कि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की पार्टी है, पढ़े लिखे लोग शामिल हैं, सिर्फ लीडरशिप में जो अपनी एक रस्साकशी आ गई जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है, अदरवाइज़ जो एक्चुअल जमहूरियत होनी चाहिए और जमहूरियत का एसेंस यही होता है कि लोग मिडिल क्लास लोअर मिडिल क्लास एजुकेटेड लोग जिस पार्टी में होंगे वो पार्टी हमेशा अच्छी होती है, मॉडरेट होती है, एंड दे डिलीवर ऑल्सो। तो अगर ये लीडरशिप जिनके मसाइल चल रहे हैं वो सॉल्व कर लें तो ये तो मसले हल हो जाएंगे। आप देखें एक फारूकी बेसिकली बात जो प्रॉब्लम चली है ना इस वक्त, वो चली है जिस तरीके से जुडिशरी इस वक्त पाकिस्तान में जुडिशल एक्टिविज़म में है। इंडिया की मैं आपको मिसाल देता हूँ, कश्मीर का मामला देखें क्या कुछ वहाँ पर हुआ 5 अगस्त के बाद। Did their Supreme Court, despite the fact कि मुसलमान और कश्मीरी वो गए हुए पटिशन में, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया बिकॉज दे थाट कि उनके नेशनल इंटरेस्ट में, गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है कि उन्होंने नहीं किया। लाइक विद बाबरी मस्जिद आपके सामने है, यहाँ पर तो ये हो चुका है कि एग्जेक्टिव की पावर ही नहीं है। आप ये अगर वो पटिशन लेकर गया था हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से जब वो वापस कर रहा है, ख़त्म कर रहे हैं। जिस तरह कह रहे हैं कि कोई उनको उम्मीद नहीं है मुशर्रफ साहब के मामले के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट से उनको कोई इंसाफ मिलेगा, अभी उन्होंने कहा इस पर कोई कमेंट तो अब उनके वकला ने डिसाइड करना है। हाँ। कि उन्होंने क्या करना है नेक्स्ट, उनका स्टांस क्या होगा। और दूसरा ये है कि गवर्नमेंट भी जा रही है, आपको पता है अपील में गवर्नमेंट आर्टिकल 10A को बेस बना के जा रही है सुप्रीम कोर्ट, और वो ये बनाएगी कि इस केस के अंदर जो है वो जो ऑब्वियसली जो उनके राइट्स हैं या जो एक मेरिट है केस का वो नहीं बनता, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी अपील में इसमें, और खुद जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी जा रहे हैं। लेकिन अगर वो नहीं लेना चाहते तो मेरे ख्याल से फिर ब्रिगेडियर साहब शायद कह रहे हैं कि आर्टिकल 45 के तहत शायद प्रेसिडेंट को वो माफ कर दे, लेकिन गवर्नमेंट ने अपना स्टांस कल तक तो ये क्लियर किया कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो अभी तक तो उनका इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ही ये बिलीव है कि इंस्टीट्यूशंस के जरिए ही जो है वो इस केस को प्रसू करेंगे और फाइट करेंगे। बाकी अगर वो चाहें तो प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है कि वो किसी वक्त उनको जो है वो इस
स्टेज के ऊपर वो कर सकते हैं। और दूसरा लास्ट कमेंट मैं जरा उस पर ये कर दूं, मेरे ख्याल फारूक सत्तार साहब लॉस्ट दैट आर्ग्यूमेंट अगेन कि लोगों में इश्तेहाल होना या तहफुजात होना और चीज़ है, ये लीडरशिप का काम होता है कि वो उनको समझाएं कि ये मामला इस तरह नहीं है, इस तरह है। जहां तक गलती है वहां तक पूरा मुल्क कह रहा है गलती है, लेकिन उसको किसी खास चीज से रिलेट कर देना मुशरफ साहब के मामले को इट्स अनफेयर। और मुशरफ साहब को जब एक्सट्रीम पोलिटिकल क्राइसिस में जरूरत थी एमक्यूएम की, उस वक्त छोड़ गए। एमक्यूएम ने एक जुमला कहा था, मैं आज आपको बता दूं, हिस्टोरिक सियासत अपनी अपनी। बिल्कुल मुझे याद है, बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है। आदिल अब्बासी साहब सीनियर एंकर पर्सन, आप एआरवाई से मुंसलिक हैं, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फारूक सत्तार साथ थे हमारे, शौकत बसरा साहब, फैसल चौधरी साहब, जर्रार खुहरो साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। वकील नजार, फितनी सी है कि ये रियासत है तो सियासत है, और ये ज़मीन है तो हम मकीन हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। जहाँ जहाँ कमियाँ खामियाँ हैं, इंस्टीट्यूशनल क्लैश की तरफ ना बढ़ा जाए तो इस मुल्क के लिए, इस सियासत के लिए, आवाम के लिए बेहतर होगा। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए।